20 साल तक ये हमारी पार्लियामेंट के अनऑफिशियल मौलवी रहे हैं, लेकिन ये एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात के लीडर हैं। हर हुकूमत इन्हें अपने साथ रखना चाहती है। मुल्क के कुछ हिस्सों में वो इतने पॉपुलर हैं कि लोग उनके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएं। शायद इसीलिए वो 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली कैसे, उनका माजी है क्या, और ये भी हिसाब लगाते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है। मैं हूं तैयब इब्राहिम। पाकिस्तान के ज्यादातर सियासतदानों की तरह फजल रहमान साहब भी एक बहुत बड़े सियासतदान के बेटे हैं। मुफ्ती महमूद दरअसल वो साहब हैं जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। पाकिस्तान बनने से पहले जमीयत उलमाए हिंद इस इलाके की सबसे बड़ी मजहबी जमात थी, और ये जमात पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थी। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद एक जमात बनी, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। इसके अहम रुकन थे मुफ्ती महमूद। मुफ्ती साहब बेसिकली जनरल अयूब के दौर में मशहूर हुए थे। वो जनरल अयूब के सख्त खिलाफ थे। 1962 में उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा और जीत गए। 1970 के इलेक्शंस में उन्होंने डेरा इस्माइल खान में भुट्टो साहब को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री में शिकस्त दी थी। 1972 आने तक वो इतने पॉपुलर हो चुके थे कि वो KPK के CM बन गए। उस वक्त KPK को सूबा सरहद कहा जाता था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि शराब पर पाबंदी लगा दी। उसके अलावा सूद पर होने वाले कारोबारों पर पाबंदी लगा दी, उर्दू को सरकारी जुबान बना दिया और जुम्मे की छुट्टी कर दी। मुफ्ती साहब की पॉपुलैरिटी की पीक तब आई जब भुट्टो दौर में निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली, जिसके लीडर थे मुफ्ती महमूद। इस तहरीक ने भुट्टो साहब का जीना हराम कर दिया। हालात इतने ख़राब हो गए कि ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लग गया। उस तहरीक के बारे में और उस दौर के बारे में हमने बहुत तफसील से ज़ियाउल हक की बायोग्राफी में बात की है, अगर आप उसे देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर 1979 में जब मुफ्ती साहब ने रूस के खिलाफ अफगान जिहाद का साथ देने का ऐलान किया तो वो सऊदी अरब के मंजूर नज़र हो गए। 1980 में उनकी पार्टी को अच्छी खासी फंडिंग भी आ रही थी और मुफ्ती साहब बहुत पॉपुलर भी थे, लेकिन तब उनकी डेथ हो गई। और यहाँ से कहानी शुरू होती है उनके बड़े बेटे फजल रहमान की। फजल रहमान साहब ने मिस्र की मशहूर जामिया अल अज़हर से मास्टर्स कर रखा है। 1980s में फजल रहमान साहब पार्टी के लीडर बन गए और अफगान जिहाद में अपना हिस्सा डालने लगे। 1988 का इलेक्शन जीता और जंग से लुटे पिटे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत फॉर्म कराने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, क्योंकि उनका और तालिबान का मसलक भी एक ही है, दोनों देवबंद को फॉलो करते हैं। तालिबान और मुजाहिदीन के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से फजल रहमान साहब हमेशा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र में रहे हैं, और इसी वजह से बाकी सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र भी उन पर रहती है। 1993 से 1996 तक बेनज़ीर की वो हुकूमत थी जिसने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अजायब घरों से नवादरात बेचे गए, रिकोडेक वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए और किसी को पता ना चलने दिया गया। PIA में बहुत सी पक्की नौकरियां दे दी गईं जो लोग काम भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। अगर इन्हें नौकरी से निकालने की कोशिश की जाए तो सड़क पर एहतजाज शुरू कर देते हैं। यही वो दौर था जब जुनून बैंड ने अपने गाने एहतसाब बोलो एहतसाब और धरती के खुदा बनाए थे, जिस वजह से पूरे जुनून बैंड पे ही पाबंदी लग गई थी। और उसी दौर में फजल रहमान साहब को डीजल परमिट जारी किए गए थे। उस दौर में डीजल का रेट पेट्रोल के मुकाबले में बहुत कम रखा जाता था ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ ना रखें, ट्रैफिक भी कम रहे और गरीब आदमी को आसानी से सफ़र करने की सहूलत भी मिले। तब सस्ते रेट पर फराहमी के लिए डीजल के परमिट जारी किए जाते थे। बहुत से परमिट फजल रहमान साहब को भी मिले थे, और इल्ज़ाम ये है कि वो डीजल अफगानिस्तान स्मगल किया करते थे। उसी वक्त उनका यह नाम पक गया था। वैसे तो फजल रहमान साहब पर और भी बहुत से इल्ज़ाम हैं, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं हैं कि उनकी बैकग्राउंड बताना लाजमी हो जाए, तो इसलिए ज़रा उन्हें अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात ठीक है कि अब JUI उतनी सीटें बिल्कुल नहीं जीतती जितनी कभी जीता करती थी। दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी कराची से तकरीबन फारग हो चुकी है, और सारे मुल्क से ही मजहबी सियासी जमातें अपनी ताकत खोती जा रही हैं। दरअसल उनके वोटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। उनके लिए कोई एक सीट जीतना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बहुत बड़ा धरना करना बहुत आसान काम है। फजल रहमान साहब की सियासत की पहचान ये भी रही है कि वो हमेशा हुकूमत में रहते हैं। हुकूमत चाहे जरदारी साहब की हो या नवाज शरीफ की,
وہ حکومت میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے عام آدمی کی نظر میں تو حضرت کی عزت تھوڑی کم ہو گئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس طرح کی سیاست کا فائدہ زیادہ ہے۔ پاور ہوگی تو ووٹ ملیں گے، اور ووٹ ملتے رہیں گے تو پاور ملتی رہے گی۔ اس فارمولے کو فضل الرحمان صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت میں ان کا فارمولا چلنا بند ہو گیا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے وہ ذرا تل ملائے سے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومت سے ایک بار نکل گئے ہیں اور دوبارہ حکومت کا حصہ بننا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر ان کا مستقبل آگے ہے کیا؟ بھئی کڑوی سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی خاص مستقبل نہیں ہے۔ نظریاتی سیاست وہ کرتے نہیں، حکومت میں آ کر کبھی پرفارمنس دکھائی نہیں، اور مذہب کے نام پر اب ووٹ ملنے کا امکان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیاسی ایجنڈا، مثال کے طور پہ ہم تعلیم پہ فوکس کریں گے، ہم صحت پہ فوکس کریں گے، ہم عورتوں کو حقوق دیں گے، ہم پریس کو آزاد کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک سٹائل ہے مذہبی سیاست کا، ہمیں ووٹ دو کیونکہ ہم زیادہ کٹر مسلمان یا زیادہ کٹر ہندو ہیں۔ ساری دنیا میں مذہب کی سیاست میں دوبارہ سے انٹری ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہندوتوا کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن پاکستان میں مذہب کی انٹری سیاست میں بہت پہلے ہو گئی تھی۔ آج مذہبی سیاسی جماعتوں کی پوری لوٹ ہے ہمارے سامنے، لیکن اب یہ ساری گیم فولڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتوں نے کبھی بھی حکومت میں آ کر زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا، اور ان کی امیج بھی کوئی خاص اچھی ہے نہیں۔ لوگ آخر تنگ آتے گئے، یہ جماعتیں ان علاقوں سے بھی سیٹیں ہارنے لگ گئیں جہاں پر ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی تھیں۔ ایسی ساری جماعتیں ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے زور لگا رہی ہیں۔ جے یو آئی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ وہ کچھ خاص کر سکے۔ اب تو وہی چلے گا جو پرفارم کرے گا، اور شاید یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔